नमस्कार, स्वागत आप सबका नारद टीवी पर। 21 दिनों के देशव्यापी लॉकडाउन के चलते दूरदर्शन पर रामायण का पुनः प्रसारण शुरू हुआ है और इस बार भी रामायण ने इतिहास लिखा। दूरदर्शन चैनल की रेटिंग नए रिकॉर्ड हासिल कर रही है। ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी BRC के आंकड़ों के मुताबिक रविवार शाम को प्रसारित हुए रामायण के एपिसोड की रेटिंग 2015 के बाद से दूरदर्शन के हिंदी मनोरंजक कार्यक्रमों की श्रेणी के किसी भी कार्यक्रम के मुकाबले ज्यादा रही। इसी के साथ नारद टीवी के दर्शकों ने भी रामायण के कलाकारों पर और एपिसोड्स बनाने के डिमांड कर डाले और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस विषय पर निरंतर मेहनत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं रामायण के सबसे सीनियर मेल एक्टर की कहानी। रामायण में तो आप लोगों ने इन्हें आर्य सुमंत की भूमिका में देखा होगा जो कि अयोध्या के मंत्री होते हैं, लेकिन ये उस पूरी यूनिट में सबसे सीनियर मेल एक्टर थे। दारा सिंह जी से भी करीब 5 साल बड़े। नाम है इनका चंद्रशेखर वैद्य। लोग आज इस दिग्गज कलाकार को इंडस्ट्री में चंद्रशेखर साहब के नाम से पुकारते हैं। हमारे वो दर्शक जो पुरानी फिल्में देखने के शौकीन हैं, उन्होंने चंद्रशेखर जी को कई हिट फिल्मों में बतौर चरित्र भूमिकाओं में देखा होगा, लेकिन वो दर्शक जो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखने के शौकीन हैं, उन्होंने चंद्रशेखर जी को एज ए हीरो भी देखा होगा। जी हाँ, ये कहानी है उस महान अभिनेता की जो इंडस्ट्री में आए तो एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर, लेकिन अपने मेहनत और काबिलियत के दम पर हीरो भी बने, डायरेक्टर भी बने और प्रोड्यूसर भी। गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना वो हम ना थे वो तुम ना थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की। मैं कभी से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कभी से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार के आग में जल गए, चमेली के मंडवे तले। इंडस्ट्री के इकलौते लेजेंड हैं जिन्होंने इंडस्ट्री को स्कूल की तरह ट्रीट किया जो किसी भी अन्य संस्था, विद्यालय या विश्वविद्यालय के शिक्षक भी नहीं कर सकते थे। चंद्रशेखर गौरी शंकर वैद्य का जन्म 7 जुलाई 1922 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिताजी एक सरकारी डॉक्टर थे। जब वे बहुत छोटे ही थे तब इनकी माँ इस दुनिया से चल बसी और मात्र 13 साल की उम्र में ही इनके पिताजी ने इनकी शादी करवा दी। समय ने करवट ली, गरीबी के चलते 7वीं के बाद इन्हें अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। 1940 के आसपास से बैंगलोर चले आए और चौकीदारी की नौकरी शुरू कर दी। इनका शुरुआती जीवन बड़े संघर्ष में बीता। उसी दौरान ये भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा भी बने और एक मिल में मजदूर की नौकरी भी की। अक्सर लोग इनसे कहा करते थे कि यार तेरी कद काठी इतनी अच्छी है, तुझे तो हीरो बनना चाहिए। ये बात इनके दिल में घर करने लगी और ये मुंबई चले आए। उनकी हिंदी और उर्दू काफी अच्छी थी, इसलिए लोगों ने उन्हें तेलुगु फिल्मों की जगह हिंदी फिल्मों में अपनी किस्मत आजमाने की सलाह दी। मुंबई पहुंचने पर इन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। काम देने की बात तो दूर, कोई इन्हें अपने स्टूडियो में भी घुसने नहीं देता था क्योंकि उस वक्त हिंदी फिल्मों के ब्लैक एंड व्हाइट दौर में दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद और राजेंद्र कुमार जैसे कलाकारों का दबदबा था। लेकिन चंद्रशेखर जी ने हार नहीं मानी और अपना संघर्ष जारी रखा। मुंबई में इन्होंने ब्रिटेन से वेस्टर्न डांसिंग में डिप्लोमा भी किया। उस दौर की जानी मानी गायिका शमशाद बेगम की सिफारिश से चंद्रशेखर जी को पुणे में शालीमार स्टूडियो में नौकरी मिल गई। इसके बाद इन्हें फिल्मों में जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर छोटा मोटा काम मिलने लगा। हिंदी फिल्मों के पहले चॉकलेटी बॉय भारत भूषण साहब से इनकी जान पहचान बढ़ी तो इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक अभिनेता के तौर पर अपने पैर जमाने में मदद मिली। इसके बाद इन्होंने 1953 में सुरंग से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, जिसके बाद साल 1954 में इनकी 2 फिल्में आई, कवि और मस्ताना, बरादरी, बसंत बहार, काली टोपी लाल रुमाल, बरसात की रात और बात एक रात की जैसी कई फिल्मों में इन्होंने काम किया। उस दौरान इन्हें 60 रुपए महीने मिला करते थे। अभिनय के साथ साथ ये बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर भी काम करते रहे। बाद में इन्होंने खुद की कई फिल्में बनाई जैसे कि चाचा चा और स्ट्रीट सिंगर। फिल्म किंग कॉन्ग में ये दारा सिंह के साथ नजर आए। अपने करियर में इन्होंने 110 फिल्में की। रामानंद सागर जी इनके काफी अच्छे दोस्त थे और उन्हीं के कहने पर इन्होंने रामायण में आर्य सुमंत की भूमिका निभाई। क्रूरता की भी एक सीमा होती है। तुम्हारा ये आचरण देखकर मेरा भी मन करता है कि मैं अयोध्या और राज को त्याग कर श्री राम के साथ वन में चला जाऊं।
तुमने जो अपने पति की दुर्गति कर रखी है उसके फल स्वरूप न जाने तुम्हें क्या क्या नर्क भोगने पड़ेंगे। 1998 में चंद्रशेखर जी ने सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन यानी सिंटा का फाउंडेशन किया। चंद्रशेखर साहब बॉलीवुड के कुछ एक कलाकारों में से हैं जिन्होंने उस दौर के शीर्ष निर्देशकों और मेगा स्टार्स के साथ काम किया। चंद्रशेखर साहब की 3 संतानें हैं। इनकी बेटी रेनू अरोरा एक पैथोलॉजिस्ट हैं और इनके नाती शक्ति अरोरा टीवी के जाने माने अभिनेता हैं। बड़े बेटे अशोक शेखर टेलीविजन इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम है और इनके छोटे बेटे अनिल अमेरिका में रहते हैं। चंद्रशेखर जी अब 97 साल के हो चुके हैं लेकिन इनके अंदर की जिंदा दिली अब भी वैसे ही बरकरार है। चंद्रशेखर साहब उन हस्तियों में से एक हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक नए मुकाम पर पहुंचाया। हम इनके स्वास्थ्य पूर्ण जीवन की कामना करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहें। नारद टीवी के फेसबुक पेज को भी जरूर लाइक करें ताकि वहां से आपको नारद टीवी से जुड़े अपडेट हमेशा मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। काली टोपी वाले तेरा नाम तो बता, ओ गोरे गोरे गालों वाली काम तो बता। लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागी छूटे ना वो हम न थे वो तुम न थे, वो रह गुजर थी प्यार की, लुटी जहाँ पे बेवजह पाल की बहार की। मैं कभी से जरा दूर उस मोड़ पर, मैं कभी से जरा दूर उस मोड़ पर, दो बदन प्यार की आग में जल गए, एक चमेली के मंडल।